राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सेंट्रल जेल से हुए हैं रवाना। वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, हम जेल में कोरोना वार्ड भी बनाएंगे। प्रदेश भर के जेलों में अब कैदियों को खाने के साथ साथ दिया जाएगा सलाद। अब कैदियों से उनके परिजन वीडियो कॉल से कर सकेंगे मुलाकात। महिला कैदी के लिए बिंदी चूड़ी भेजी जा सकेगी। वहीं कोरोना के चलते पैरोल पर रिहा कैदियों की 60 दिन बढ़ाई गई पैरोल। कोरोना के कारण से ये दिक्कत है, इसलिए मैंने कहा कि फोनिक सुविधा चल रही है, सभी लोग फोन पे बात कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। जब तक कोरोना की दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत तो देखनी पड़ेगी, लेकिन वो सचित्र बात करें, उनका हालचाल जाने, अभी चरणों का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है तो बाहर से कैदी कोई संक्रमित अंदर ना आ जाए, नहीं तो सामुदायिक संक्रमण और हो जाए। तो ऐसा तय किया है कि अब 60 दिन मतलब 2 महीने और इनकी जो पैरोल बाहर 4,000 लोग हैं उनकी बढ़ा दें, ये प्रस्ताव समिति को दे दिया। हमारे जो कैदी भाइयों का भोजन है, मैंने भी चखा उसमें, उसमें सलाद की कमी प्रतीत हुई, महसूस हुई, और मध्य प्रदेश की सभी जेलों में अब सलाद की व्यवस्था भी साथ में रहेगी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, हम काढ़ा तो देते ही हैं, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो, रोग रोधक शक्ति हमारी बढ़े, इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये फोनिक सिस्टम हमने बढ़ाया है, चूँकि लॉकडाउन के माध्यम से लोगों को आने जाने में दिक्कत है, जनता कर्फ्यू लॉकडाउन वगैरह वगैरह इत्यादि की वजह से, तो फोनिक सिस्टम बढ़ाया है। वह जो कैदी भी अपने परिवार के स्वजनों से सचित्र बात करने के लिए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बात कराने के बारे में आज हमने सोचा है, और लगातार और जो जो भी सुधार होंगे, जैसे बहन बेटियों की सिंदूर बिंदी वगैरह बंद हो गई थी, वो चालू करना, सलाद चालू करना, अन्य अन्य चीज़ें भी चालू, सभी हमारे जो अस्पताल में वार्ड हैं उन वार्डों में कोरोना वार्ड भी एक एक निर्माण करने का प्रस्ताव।